हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम गुड़हल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो फिर ये हमारा गुड़हल का पौधा है जो कि हम इसे ग्राफ्टेड किए हुए हैं और ये हमारा पौधा 9 साल पुराना पौधा है जो कि इसका तना बहुत मोटा हो चुका है और ये इस गमले में लगा हुआ था टब में बड़े वाले। अब हम इसे निकाल लिए हुए हैं बाहर टब से और इसकी जड़ों को हम कटैया छटैया करेंगे थोड़ी बहुत और मेन जड़ को छोड़ देंगे, क्योंकि खास करके मेन जड़ को छोड़ देना चाहिए, बाकी साइड साइड की जड़ निकाल देनी चाहिए। अगर मेन जड़ हम काट देंगे तो पौधा सूख सकता है। तो आप सब देख सकते हैं एक ग्राफ्टेड पौधा हमारा, जो कि इसमें रेड कलर का ग्राफ्टिंग किए हुए हैं हम, और ये येलो कलर का पौधा था हमारा। तो जो रेड कलर की ग्राफ्टिंग थी उसमें फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और ये येलो कलर का पौधा ऑलरेडी ये खिलता था। तो फिर हम बात करते हैं गुड़हल में ढेर सारे फूल कैसे आए। तो गुड़हल में ढेर सारे फूल लाने के लिए हमें गुड़हल को सही जगह पे रखना चाहिए, तब हमें गुड़हल में ढेर सारी कलियां और ढेर सारे फूल हमें मिलेंगे। गुड़हल के पौधे को धूप की जरूरत होती है, दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की इस पे एकदम अच्छे तरीके से धूप लगनी चाहिए इस पौधे पे, तब हमें ढेर सारे फूल मिलेंगे। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धूप अच्छी आती हो। अगर आपके पौधे को इसी तरह से धूप और खाद और पानी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तो इसी तरीके से ढेर सारी कलियां और पौधा हरा भरा हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे को कितना तापमान पसंद होता है जिसमें अच्छी फ्लावरिंग करे। तो गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। यहाँ पे आप देखिए हमारी जो ग्राफ्टिंग थी जो सब सक्सेस हो चुकी है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसकी कटाई के बारे में बात करते हैं। बारिश जैसे ही स्टार्ट हो आप इसकी कटाई कर दें ताकि ये बारिश में पूरे अच्छे तरीके से पौधा ग्रो करे। इस पौधे में जो मुरझाए हुए फूल रहते हैं और पीले पत्ते रहते हैं इसे समय समय पे हटाते रहें पौधे से। यहाँ पे हम जिस टहनियों में ग्राफ्ट किए हुए थे उसके नीचे वाले जो छोटे छोटे टहनियाँ निकले हुए हैं उसे हम काट के हटा दे रहे हैं ताकि ये हमारी ग्राफ्टेड ब्रांच अच्छे से ग्रो कर सके। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले कीड़े और रोगों के बारे में। ज्यादातर गुड़हल में एफिड्स मिलीबग और स्पाइडर का अटैक होता है। इससे बचने के लिए नीम ऑयल में 1 चम्मच हैंड वॉश मिक्स करके पौधे पे स्प्रे कर दें। सारे मिलीबग पौधे से हट जाएंगे और फिर से दोबारा से 1 हफ्ते बाद स्प्रे कर सकते हैं। जो बच्चे खुचे रहेंगे दोबारा से स्प्रे करने पे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हम अपने पौधे की जो फालतू की सारी ब्रांचेस थी उसे हम काट के हटा दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमें अपने पौधे की कटिंग करनी चाहिए और कटिंग बारिश में ही करनी चाहिए ताकि बारिश भर हमारा पौधा अच्छा ग्रो करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बारिश का पानी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। और ठंड में इसकी कटिंग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ठंड में गुड़हल का पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है। यहाँ पे हम अपने पौधे की इस तरीके से मिट्टियां हटा ले रहे हैं। इस तरीके से कोई पतला से औजार लेके मिट्टी को हटाना चाहिए, इससे क्या होता है अच्छे से जड़ें भी खुल जाती हैं और मिट्टियां अच्छे से बाहर निकल जाती हैं। फाइनली यहाँ पे हमने अपने पौधे की अच्छे तरीके से जड़ें खोल ली हुई हैं। इस तरीके से हमें जड़ को खोलना है ताकि हमारे पौधे की जड़ एक भी डैमेज ना हो, हमारा पौधा सुरक्षित बचा रहे। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो गुड़हल के पौधे को बेल ड्रेनिंग मिट्टी काफी पसंद होती है, इसमें पौधा अच्छा ग्रो करता है। बेल ड्रेनिंग मिट्टी बनाने के लिए आप 50% मिट्टी 25% रेत 25% खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद में आप कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिट्टी में बर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद का मिश्रण यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें मिट्टी को और भी पोषक बनाने के लिए तो इसमें सरसों की खली का मिश्रण यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सरसों की खली को अच्छे तरीके से तोड़ के मिट्टी में डाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा से मिक्स केमिकल खाद है उसका भी यूज कर रहे हैं ताकि पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो करे। यहाँ पे हम मिट्टी में केमिकल खाद 2 ग्राम का ही यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं यूज करना है, नहीं तो हमारे पौधे को नुकसान भी पहुँचा सकता है क्योंकि ये केमिकल खाद है। सारी खाद को अच्छे तरीके से मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आप अपने पौधे को खाद कब दें। तो गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग सीजन बसंत और गर्मी का होता है। इसमें अच्छे तरीके से ग्रो करता है और पौधा हरा भरा रहता है और
अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। इस मौसम में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए और उसके 2 महीने बाद बाकी की खाद को आप अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। सर्दियों में खाद देना कम कर दें कि उस समय पौधा निष्क्रिय रहता है, बहुत ग्रो नहीं करता है। अगर आप अपने पौधे को रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो 1 से 2 साल में रिपोर्ट करें उसे, जब जड़ें पॉट से बाहर आने लगे या फिर जड़ें गमले को छोड़ दें। जैसे कि नया पॉट लें तो इससे पुराने वाले गमले से 2 से 3 इंच बड़ा ही पॉट लें। यहाँ पे हम अपने पौधे को अच्छे तरीके से गमले में शिफ्ट कर दिए हुए हैं। इसकी हमें जड़ें कैसे छाटनी है, इसमें हमें खाद कितनी डालनी है, जो कि हमने अपने वीडियो में आप सबको बता दिया है। तो इस तरीके से हमें अपने पौधे को रिपोर्टिंग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पौधे को पानी कैसे और किस समय देना है। गुड़हल के पौधे को नियमित पानी देना जरूरी है, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से इसमें फंगस पकड़ लेता है जड़ों में और ये पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा और गल जाएगा। कोशिश करें ज्यादातर मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, लेकिन पानी ना भरा रहे। पानी दें पौधे को तो ऊपर से मिट्टी चेक कर लें, मिट्टी में नमी बनी रहे तो इसे पानी ना दें। जब आप कोई पौधा घर में नया लाएंगे तो आपको पता हो जाएगी तो पौधे को हमें कब कब पानी देना है। तो फिर आज की वीडियो में हमने बात की इसमें धूप कितनी चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, इसमें पानी कितना डालना चाहिए और इसमें खाद कितनी देनी चाहिए। तो फिर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आप सबको इसी तरीके से अच्छी अच्छी नई नई जानकारी देते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी जानकारियाँ पहुँचे। इस तरीके से अपने पौधे की केयर और देखभाल करनी चाहिए।